बीजेपी और शिंदे सरकार के साथ आने के बाद उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अजीत पवार ने अब अपनी पार्टी एनसीपी पर दावा ठोक दिया है कि पार्टी जो है क्योंकि उनके विधायक 40 विधायक उनके साथ हैं और अब पार्टी पर उनका अधिकार है। इसके साथ ही पार्टी को लेकर के तमाम गतिविधियां शुरू हो गई हैं और मंत्रालय के सामने जो ये बंगलो है, पहले इसमें अंबादास दानवे जी का जो है ऑफिस था, अब इस ऑफिस को बताया जा रहा है कि ये ऑफिस जो है एनसीपी का, अजीत पवार की एनसीपी का ये नया दफ्तर होगा। जी हाँ, आप देखिए कि यहाँ की ये तस्वीरें, आप देखिए कि ये सारे जो मैं आपको रूम दिखाना चाहूँगा, पहली तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि ये तस्वीरें हैं। अभी भी यहाँ पर आप देखिए कि बाला साहब ठाकरे की एक तस्वीर दिख रही है, लेकिन अब जो है इसे जो है बताया जा रहा है कि ये दफ्तर होगा एनसीपी का नया दफ्तर होगा। जी हाँ, अजीत पवार की जो एनसीपी है उसका ये नया दफ्तर होगा। कुछ मैं तस्वीरें आपको अंदर आपको दिखाता हूँ कि ये पूरा ये ऑफिस है। आप देखिए कि यहाँ पर ये पूरी तैयारियाँ हैं और इस तरह से ये पूरा ऑफिस यहाँ पर है। ये तस्वीरें मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एबीपी न्यूज़ पे कि ये बनाया जा रहा है फिलहाल एनसीपी का नया दफ्तर। तो यहीं पर ये जो बंगला नंबर A5 है मंत्रालय के सामने, वहाँ पर एनसीपी का नया दफ्तर बनाया जाना है, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ इस पूरे बंगले की कि किस तरह से ये पूरा बंगला है और यहाँ पर अब होगा एनसीपी का नया दफ्तर। फिलहाल जो है यहाँ पर ये दफ्तर बनाने की बातचीत चल रही है और यहीं पर अजीत पवार की नई पार्टी, जो अजीत पवार जिस एनसीपी पर दावा कर रहे हैं, फिलहाल उसका दफ्तर यहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं और इस पर चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि एनसीपी, अजीत पवार की एनसीपी में तमाम बातों को लेकर के जो है किस तरह से उनके लोग, उनकी पार्टी होगी, किस तरह से दावा पेश किया गया है उसको लेकर के, क्योंकि अब पार्टी है तो उसमें तमाम सारे काम होंगे, ऑफिस होगा, दफ्तर होगा, इसको देखते हुए मंत्रालय के ठीक सामने ये A5 नंबर जो है बंगलो जो है फिलहाल एनसीपी के लिए जो है बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज़, मुंबई।